हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। इनमें से आप 7 क्वेश्चन के आंसर देके बताइए। कौन सा विग्रह तत्पुरुष समाज का उदाहरण है? बल से हीन लंबा है उधर जिसका, पाप और पुण्य बिना भय का। तो इसमें आंसर क्या है? बल से हीन। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? वर्ण। ठीक है, फिर हमारा 3rd क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा काल है? अ पूर्णभूत, असन्यभूत, पूर्णभूत या संतित। तो इसमें कौन सा है? पूर्णभूत। पूर्णभूत यानी कि वो काम को कर चुका है। ठीक है, फिर है हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा है? अनिल। ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो और हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के और संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, अब हमारा है 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन, एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा बहुत पुराना है, हमारे बड़े बूढ़े जो लोग थे वो सब इस बात को कहते थे, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। इसका आंसर होगा ये, ए। ठीक, फिर है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो क्या है? किरण रश्मि, ठीक है, गेह घर, ठीक है, कपड़ा अंबर, ठीक है, गणेश और पुरंदर। ये हमारा आंसर सही है। वीणा पाणी में कौन सा समाज है? कौन सा समाज है? बहुविहीनी। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वेश्चन, कर्म भूमि किसकी रचना है? ये तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कर्म भूमि है प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, फिर है, शुद्ध वर्तनीय का चयन करें, इनमें जो नरक लिखा हुआ है वो सही ढंग से कौन सा है? तो वो है नरक। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हैं और 12 क्वेश्चन में से कम मुझे 7 या 8 क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।